सो हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं आर्ट बस। और आज की इस वीडियो में हम किसी पर्सन को ड्रॉ नहीं करने वाले हैं, लेकिन एक वाटर कलर पेंटिंग बनाने वाली हूं मैं, तो होपफुली आपको पसंद आएगी। मैंने इसके लिए दो तीन कलर्स यूज़ किए हैं, जैसे कि ब्लैक, रेड, पर्पल। अभी मैंने सबसे पहले ब्लैक कलर अप्लाई किया है। ब्लैक कलर ज़्यादा क्वान्टिटी में अप्लाई किया है ताकि वो ट्रांसपेरेंट लुक ना दे। और उसके बाद मैंने रेड कलर अप्लाई किया है और नीचे थोड़ा सा पर्पल कलर। इनको सूखने देंगे क्योंकि वाटर कलर्स को बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, तो हम वही करके इसे सूखने के लिए रख देंगे। और जब ये सूख जाए तो उसमें फिर से वाटर यूज़ करके थोड़ा से और हाइलाइट्स दे देंगे। अभी साइड में मैंने ब्लैक कलर का यूज़ करते हुए सारे पेड़ वगैरह बना दिए हैं, पहाड़ी एरियाज़। और अभी फिर मैंने एक सर्कल ड्रॉ करके चांद बनाया है। और अगर आप चाहें तो फुल मून रख सकते हैं या फिर हाफ मून, जैसी आपकी मर्जी हो। फिर चांद हो जाने के बाद मैंने ब्रश का यूज़ करके थोड़ा सा स्प्रिंकलिंग किया ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा तारे दिखाई दे सके। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जो मिट्टी और शावर होता है उसको देने की कोशिश की है। और ये एक अच्छा सा व्यू बन के रेडी हो चुका है। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।